हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल आज की क्लास का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम रैम के दो टाइप्स होते हैं एस रैम और डी रैम रैम मीन्स रैंडम एसेस मेमोरी रैम में डेटा जो है उसे हम मोडिफाई भी कर सकते हैं इरेज भी किया जा सकता है और रीड भी किया जा सकता है डेटा इन रैम कैन वी मॉडिफाई, इरेज और रीड दो टाइप्स हैं एस रैम और डी रैम एस रैम मीज स्टैटिक रैंडम एसेस मैमरी डी रैम मीज डायनमिक रैंडम एसेस मैमरी चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बीच में डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस इज ट्रांजिस्टर्स आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन एस रैम जो स्टैटिक रैम है वहाँ पर ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एस रैम में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए लेकिन जो डी रैम है वहाँ पर कैपेसिटर्स का यूज़ किया जाता है कैपेसिटर्स आर यूज टू स्टोर डेटा इन डी रैम स्टैटिक रैम में ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं डायनेमिक रैम में कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं नेक्स्ट डिफरेंस एस रैम हैज़ लोअर एसेस टाइम देअर फोर इट इज़ फास्टर कम्पेयर टू डी रैम जो स्टैटिक रैम है उसका जो एसेस टाइम है वो लोअर है इसकी वजह से क्या है वो फास्टर है एज़ कम्पेयर टू डी रैम और जो डी रैम है उसका असेस टाइम जो है वो हाइयर है जिसकी वजह से वो स्लो है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक रैम स्टैटिक रैम एसेस टाइम कम है डायनेमिक रैम एसेस टाइम ज़्यादा है जिसकी वजह से जो स्टैटिक रैम है वो फास्ट है और डायनेमिक रैम जो है वो स्लो है नेक्स्ट डिफरेंस इज स्टैटिक रैम आर यूज इन कैचे मेमोरी, स्टैटिक रैम का हम यूज़ करते हैं कैचे मेमोरी में डी रैम इज़ यूज इन मेन मेमोरी और डायनेमिक रैम का हम यूज़ करते हैं मेन मेमोरी अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि जो स्टैटिक रैम है वहाँ पे हम ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और डायनमिक रैम में कैपेसिट का यूज़ होता है इंफॉमेसन को स्टोर करने के लिए जो स्टैटिक रैम है उसका असेस टाइम जो है वो कम है जिसकी वजह से वो फास्टर है लेकिन जो डायनामिक क्राइम है उसका असेस टाइम जो है वो हाइयर है जिसकी वजह से वो स्लो है स्टैटिक रैम का हम यूज़ करते हैं कैचे मेमोरी में और डायनामिक रैम का हम यूज़ करते हैं मेन मेमोरी में एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज एस रैम इज़ लेस कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम लेस कॉस्ट इफ़ेक्टिव मीन्स कि वो कॉस्टली है एस कंपेयर टू डी रैम जो डी रैम है वो लेस कॉस्टली है इट मीन्स दैट वो चीपर है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक रैम जो एस रैम है वो कॉस्टली है जो डी रैम है वो चीपर है एज़ कंपेयर टू एस रैम नेक्स्ट डिफरेंस इज कैपेसिटर्स आर नॉट यूज्ड देअर फॉर नो रिफ्रेशिंग इज़ रिक्वायर्ड स्टैटिक रैम में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता है कैपेसिटर्स का यूज़ नहीं होता जो डेटा स्टोर होता है ट्रांजिस्टर्स में वो रिक्वायर करते हैं कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ पावर कॉन्टीन्यूस नीड फॉर पावर होने की वजह से स्टैटिक रैम डज नॉट नीड टू रिफ्रेश इट सेल्फ इट मीन्स डैट कि इन्हें रिफ्रेशिंग की नीड नहीं पड़ती लेकिन डी रैम में टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम कंटेंट्स ऑफ द कैपेसिटर नीड्स टू बी रिफ्रेश प्रियोटिकली इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए लंबे समय तक जो कंटेंट्स होते हैं कैपेसिटर्स की उन्हें ज़रूरत पड़ती है रिफ्रेशिंग की तो जहाँ पर रिफ्रेशिंग की नीड नहीं पड़ती वो है स्टैटिक रैम और जहाँ पर रिफ्रेशिंग की नीड पड़ती है पीडिकली वो है डायनामिक रैम नेक्स्ट डिफ्रेंस स्टैटिक रैम आर लो डेंसिटी डिवाइस जो स्टैटिक रैम है वो लो डेंसिटी डिवाइस है और जो डायनामिक रैम है वो हाई डेंसिटी डिवाइसेस है तो लो डेंसिटी डिवाइसेस है स्टैटिक रैम और हाई डेंसिटी डिवाइसेस है डायनामिक रैम जो स्टैटिक रैम है वो कॉस्टली है जो डायनामिक रैम है वो चीपर है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक रैम और स्टैटिक रैम में कैपेसिटर्स यूज़ नहीं होते जिनकी वजह से इन्हें रिफ्रेशिंग की नीड नहीं पड़ती लेकिन डायनामिक रैम में कैपेसिटर्स का, का यूज़ होता है जिसकी वजह से दे नीड्स टू बी रिफ्रेश पीडिकली स्टैटिक रैम जो है वो लो डेंसिटी डिवाइज है और जो डायनामिक रैम है वो हाई डेंसिटी डिवाइज है और नेक्स्ट डिफरेंस है स्टैटिक रैम स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स देन डी रैम जो स्ट्रक्चर है स्टैटिक रैम का वो कॉम्प्लैक्स है डी रैम स्ट्रक्चर इज सिंपलैक्स दैन एस रैम जो डी रैम डायनामिक रैम का जो स्ट्रक्चर है वो सिम्प्लैक्स है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक रैम स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है स्टैटिक रैम का स्ट्रक्चर सिंप्लैक्स है डायनामिक रैम का नेक्स्ट डिफरेंस इज स्टैटिक रैम रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई विच मीन्स दिस टाइप ऑफ मेमरी कंज्यूम मोर पावर जो ज़्यादा पावर को कंज्यूम करता है वो है स्टैटिक रैम डी रैम ऑफर रिड्यूस पावर कंजम्पशन ड्यू टू दैक्ट डेट द इंफॉर्मेशन इज़ स्टोर इन कैपेसिटर्स तो डायनेमिक रैम में जो पावर है वो कंज्यूम कम होती है और स्टैटिक रैम में पावर जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होती है नेक्स्ट इज स्टैटिक रैम ऑक्यूपाइज मोर स्पेस ये ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है स्टैटिक रैम और जो डायनामिक रैम है वो ऑक्यूपाई करते हैं लेस स्पेस को लेस स्पेस ऑक्यूपाई होता है डायनामिक रैम में एज़ कंपेयर टू स्टैटिक रैम नेक्स्ट डिफरेंस इज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ स्टैटिक रैम इज स्मॉलर देन डायनामिक रैम स्टोरेज कैपेसिटी जो स्टैटिक रैम की है वो स्मॉल है और जो स्टोरेज कैपेसिटी डायनामिक रैम की है वो लार्ज है एज़ कंपेयर टू स्टैटिक रैम स्टैटिक रैम का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है डायनामिक रैम का जो स्ट्रक्चर है वो सिम्प्लेक्स है स्टैटिक रैम में जो पावर कंज्यूम होती है वो ज़्यादा होती है और डायनामिक रैम में जो पावर कंज्यूम होती है वो कम होती है किसकी वजह से कम होती है वो कैपेसिटर्स की वजह से और स्टैटिक रैम जो है वो ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है जो डायनामिक रैम है वो कम स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं जो स्टोरेज कैपेसिटी है स्टैटिक रैम की वो भी स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू डायनामिक रैम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डायनामिक रैम की लार्जर है तो ये टेन डिफरेंस है स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम के बीच में तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी हिट करना ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन इस चैनल की आप तक पहुंच जाए थैंक यू